डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है डेजर्ट लोकस्ट, जिसका साइंटिफिक नाम है सिस्टोसरका ग्रिगेरिया। लोकस्ट क्लास इंसेक्टा, यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम की क्लास इंसेक्टा का इंसेक्ट है लोकस्ट, जो एक बहुत बड़ी मेजर पेस्ट है। वैसे तो लोकस्ट है उसकी 1000 जातियां पाई जाती है, जिसमें से 500 जातियां वो आइडेंटिफाई की गई है, और उसमें से 50 जातियां वो बहुत ही मेजर पेस्ट के रूप में काम करती है। तो ये जो अपन आज जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, डेजर्ट लोकस्ट क्लास इंसेक्टा का ये एनिमल है। तो निश्चित रूप से इसके अंदर 2 पेयर विंग्स होंगे और 3 पेयर है वो लेग्स होंगे। इस क्लास इंसेक्टा का जो ये लोकस्ट है वो ग्रास ऊपर से बिल्कुल मिलता जुलता होता है, और जो लोकस्ट है, ऑल लोकस्ट आर ग्रासहॉपर, बट ऑल ग्रासहॉपर्स आर नॉट लोकस्ट। बहुत सी बार ये कंफ्यूजन होता है कि लोकस्ट कौन सा और ग्रासहॉपर कौन सा है। लोकस्ट को जनरली अपन है वो टिड्डा बोलते हैं हिंदी के अंदर, और ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में बहुतायत में पाया जाता है। वैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड होता है। लोकस्ट और ग्रास ऑपर में कई बार इस प्रकार का कंफ्यूजन होता है कि लोकस्ट कौन सा और ग्रास ऑपर कौन सा है। ये जो इंसेक्ट है वो एक्रिडिडी फैमिली का होता है। इंडिया के अंदर जो ग्रास ऑपर होता है, जो शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास ऑपर है, यानी जिसकी एंटीना छोटी होती है, उसी को लोकस्ट कहा जाता है। यूरोप के अंदर जो एक्रिडिडी फैमिली में पाए जाने वाले जो बड़े इंसेक्ट होते हैं उनको लोकस्ट बोलते हैं, और छोटे वालों को ग्रासहॉपर बोलते हैं। इसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो एक्रिडिडी फैमिली के अंदर जितने भी इंसेक्ट हैं उनको लोकस्ट भी बोलते हैं और ग्रासहॉपर भी बोलते हैं। तो ग्रासहॉपर और लोकस्ट में आप अगर वैसे अगर कोई डिफ्रेंसिएशन करना चाहोगे तो अलग से कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। केवल इंडिया के अंदर जो शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास ऑपर होते हैं, जिसकी एंटीना छोटी होती है, उसी को लोकस्ट बोलते हैं। तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, डेजर्ट लोकस्ट। देखिए, मैंने बहुत सारी स्पीशीज बताई कि 1000 स्पीशीज होती है इसकी, और उनमें से 5 जो 10 स्पीशीज है वो इंडिया में पाई जाती है, और जो 4 स्पीशीज है जो अपन राजस्थान में भी पाई जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वो जो स्पीशीज है वो कौन सी है, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, जिसको अपन डेजर्ट लोकस्ट बोलते हैं। सिस्टोसरका ग्रिगेरिया जिसको अपन डेजर्ट लोकस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार से लोकस्ट ऑफ माइग्रेटोरिया, जिसको अपन माइग्रेटरी लोकस्ट बोलते हैं, और नोमेडोग्रिस सक्सिनेटा, जिसको बॉम्बिक्स लोकस्ट बोलते हैं, और ये है एनाकार्डियम रूब्रिस्पाइनम, इसको ट्री लोकस्ट बोलते हैं। तो ये 4 स्पीशीज है वो अपने राजस्थान के अंदर पाई जाती है लोकस्ट की, और ये मेजर पेस्ट है। इसका अगर क्लासिफिकेशन अपन जो है यहां पर पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, जिसका कॉमन नाम क्या है, डेजर्ट लोकस्ट, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया। उसका अगर क्लासिफिकेशन अपन देखें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मेंडिबुलेटा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिकोटा, ऑर्डर इसका ऑर्थोप्टेरा, और फैमिली कौन सी आती है, एक्रिडिडी। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। लोकस्ट के नाम से सभी परिचित है, टिड्डा के नाम से सभी परिचित है, और इस बार सन 2020 के अंदर पूरे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के अंदर लोकस्ट की स्वार्मिंग देखी गई थी। लोकस्ट को बहुत सारे झुंड के अंदर देखा गया था, और करीब करीब बड़े शहरों के ऊपर से इनका झुंड है वो निकला है। तो ये जो स्वार्मिंग होती है इस लोकस्ट के अंदर, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहां पर अपन केवल इसका जनरल और इसकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं अपन। ये जो लोकस्ट होते हैं वो 2 फेज के अंदर पाए जाते हैं। एक तो सोलिटरी फेज होती है, जिसको एकल फेज बोलते हैं, एकलवासी, और एक होता है ग्रिगेरियस फेज, जिसमें ये समूह में रहते हैं। तो ये 2 फेज होती है, सोलिटरी फेज और ग्रिगेरियस फेज। एक्चुअल में अगर लोकस्ट को देखा जाए, 2 फेज का मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग प्रकार के हैं। एक्चुअल में एक ही फेज होती है, वो फेज कौन सी होती है, सोलिटरी फेज। उस सोलिटरी फेज में आपको कहीं भी लोकस्ट देखने को मिल सकता है। मोस्टली यहां पर राजस्थान के अंदर ये ओक के ऊपर पाया जाता है,
जिसको हिंदी में अपन आंकड़ा भी बोलते हैं, तो ओक के ऊपर ये देखने को मिलता है, और इस प्रकार अन्य प्रकार की जो क्रोप होती है उसके ऊपर भी देखने को मिलता है। तो वो क्या है? सोलिटरी फेज है, एकल है। और दूसरी होती है ग्रीगेरियस फेज। उस ग्रीगेरियस फेज में क्या होता है, बहुत सारे जो लोकस्ट होते हैं वो एक समूह के अंदर होते हैं, और वो समूह में एक साथ में उड़ना शुरू करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वो उसको बोलते हैं अपन स्वार्मिंग, और उस स्वार्मिंग के ऊपर अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहां केवल अपन लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। देखिए जो ये अडल्ट लोकस्ट है सिस्टोसर का ग्रीगेरिया, जिसमें अपन जानते हैं कि एक हेड थोरेक्स और एब्डोमन बॉडी में बॉडी है, वो हेड थोरेक्स और एब्डोमन तीन में डिवाइडेड होती है, और टू पेयर विंग्स होते हैं, थ्री पेयर लेग्स होती है, और इसके आगे है वो एंटीना होता है। ये एक अडल्ट की संरचना होती है। ये अडल्ट जब अंडे देता है तो जो 8 से 24 घंटे, यानी जब ये आपस में मेल और फीमेल कोपुलेशन की क्रिया कर लेते हैं, उसके 8 से 24 घंटे के बाद में ये अंडे देते हैं। और ये जो अंडे दिए जाते हैं वो भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर, मॉइस्ट सोइल के अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर गड्ढा करके वहां पर वो अंड निक्षेपण या ओविपोजिशन करते हैं, अंडे दिए जाते हैं। और वो जब अंडे समूह में दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं एग पोड। तो ये अपने यहां पर एक जो सोइल के अंदर जो गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर खूब सारे समूह में एग्स दिखाए जो चावल के दाने के बराबर, चावल के दाने के जैसे होते हैं, और वो यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं एग पोड। कॉपुलेशन के 8 से 24 घंटे के बाद में 8 से 10 सेंटीमीटर मिट्टी की गहराई में फीमेल जब ये अंडे देती है तो वो तीन बार अंडे देती है, एक एक वीक के अंतराल में वो तीन बार वो अंडे देती है। तो इस प्रकार से ये एग होता है। और इस एग की अपन अगर साइज देखें तो 7.9 मिलीमीटर ये लेंथ में होता है, और इसकी वेट जो चौड़ाई है वो 1 मिलीमीटर होती है। इस प्रकार से ये एग दिए जाते हैं मिट्टी के अंदर। इनके एग में जब हैचिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, यानी एग से जब होपर निकलता है, अब देखिए यहां पर ना तो लार्वा है और ना प्यूपा, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें अडल्ट है, एग है और होपर है। तीन ही अवस्था है यहां पे, अडल्ट भी है, एग है और होपर दिखा रखा है ये अपन ने, यानी लार्वा नहीं है और ना ही इसके अंदर प्यूपा है। तीन फेज होती है, एग, अडल्ट और होपर। यानी होपर का मतलब होता है शिशु, यानी ये डायरेक्ट अंडे से डायरेक्ट क्या निकलता है, शिशु निकलता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, होपर। जब अंडे में हैचिंग होती है तो ये गर्मियों के दिनों में 14 दिन के बाद में इसमें से है वो होपर निकलता है, और विंटर सीजन में 14 से लेकर के 21 दिन के बाद में इसमें से होपर या शिशु निकलता है। तो ये अपन ने यहां पे फर्स्ट शिशु दिखाया है, होपर दिखाया, फर्स्ट होपर। अब ये होपर जो फर्स्ट शिशु है वो 24 से लेकर के 24 से 95 डेज में पांच मोल्ट करता है, पांच बार मोल्टिंग करता है, और पांच बार मोल्टिंग करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट में। यानी जो शिशु का जन्म दिया जाता है जिसको होपर है, जो एग से निकला है, उसमें पांच मोल्टिंग होती है, और पांच मोल्टिंग होकर के वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें डेज लगते हैं 24 to 95 डेज। तो यहां पर अपन ने ये फर्स्ट इंस्टार होपर दिखाया है, क्योंकि ये तो फर्स्ट शिशु है। अब इसमें फर्स्ट मोल्टिंग हुई तो ये क्या बन गया, फर्स्ट इंस्टार होपर, ये सेकेंड इंस्टार होपर, ये थर्ड इंस्टार होपर, ये फोर्थ इंस्टार और ये फिफ्थ इंस्टार। टाइम कितना लगा, 24 to 95 डेज। और ये उसके बाद में इसमें फ्लेजलिंग होती है, यानी इसमें विंग निकल आते हैं और ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है। देखिए कैरेक्टर देखिए, जो फर्स्ट स्टार जो होपर है वो न्यूली हैच्ड व्हाइट कलर का होता है, और उसके बाद में वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेकेंड स्टार दिखा है जिसमें हेड कंपेरेटिवली है वो बड़ा होता है और इसका पैटर्न है वो पेल कलर का हो जाता है। थर्ड स्टार जो दिखा है उसमें टू पेयर विंग, यानी इसकी जो थोरेक्स होती है उसके अंदर दोनों साइड पर विंग के लिए, विंग निकलने के लिए बर्ड्स निकलने निकल सकती है। टू पेयर ऑफ विंग बर्ड्स प्रोजेक्ट ऑन ईच साइड ऑफ द थोरिक्स। फोर्थ देखिए, कलर इज कंस्पिक्यूअसली ब्लैक एंड येलो, यानी यहां पर ब्लैक और
येलो कलर हो जाता है, और ये अपने फिफ्थ स्टार होपर दिखाया है, जो कलर इसका ब्राइट हो जाता है, येलो ब्राइट हो जाता है, और इसका जो बॉडी का पैटर्न होता है वो ब्लैक पैटर्न होता है। तो ये 5 मोल्ट 5 मोल्ट के बाद में इसमें फ्लेजलिंग होती है, फ्लेजलिंग में इसके अंदर विंग्स निकल आते हैं, और उसके बाद में ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल है। अडल्ट बनने के बाद में 10 से 15 दिन के बाद में ये ब्रीडिंग करने लग जाता है। तो ये यहाँ पर अपने ब्रीडिंग जो अडल्ट है वो दिखाया, और ये जस्ट फ्लेजलिंग के बाद का अडल्ट दिखाया। तो इस प्रकार से ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। डेजर्ट लोकस या कोई सा भी लोकस्ट है, वो स्वार्मिंग के रूप में जब उड़ता है तो फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और ये इसका जो नुकसान है उसको दूर करने के लिए, डैमेज जो ये करता है उस डैमेज को कंट्रोल करने, ये क्या करता है कि जिस प्लांट के ऊपर बैठता है उस प्लांट के पूरे प्लांट को खा जाता है। यानी ये लगभग एक दिन के अंदर 2 kg वेट के बराबर प्लांट को ईट कर सकता है। डैमेज कंट्रोल, अब उस डैमेज जो करता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, क्योंकि ये जो स्वार्मिंग की प्रॉब्लम है, यानी लोकस्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ग्रुप में जाते हैं, तो ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल की समस्या है, पूरे राष्ट्रों की समस्या है। इसलिए इंडिया, पाकिस्तान और ईरान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, ये 3 देश शामिल है, जो कि इससे लोकस से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से देखिए यूनाइटेड नेशनल स्पेशल डेजर्ट लोकस प्रोजेक्ट भी है, जिसमें भी क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इंडिया के अंदर 4 एंटी लोकस्ट सर्किल बना रखे हैं, जो कि एक जोधपुर, एक बाड़मेर और एक बीकानेर और एक पालनपुर गुजरात के अंदर है। तो 4 एंटी लोकस्ट है वो सर्किल बना रखे हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल के ऊपर ये वो प्रोजेक्ट है वो, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करते हैं। इसके अलावा इसके जो लार्वा है, इसका जब स्वार्मिंग होती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रोल करने का वो ये है कि इसके जब भी निम्फ निकल करके आते हैं या होपर निकलते हैं, तो जहाँ पर ये बैठते हैं, जहाँ पर इनके होपर्स डेवलप होते हैं, उस स्थान की फील्ड को उसमें ट्रेंच किया जाता है। यानी यहाँ पर खाई चारों तरफ क्या की जाती है, ट्रेंच की जाती है, खाई बनाई जाती है, जो कि लगभग 50 सेंटीमीटर गहरी और 30 सेंटीमीटर है वो चौड़ी बनाई जाती है, ताकि जब ये क्रावलिंग करते हैं, जब ये चलते हैं, तो उस खाई के अंदर गिर जाते हैं और उनके बाद में उनको खत्म किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनको कंट्रोल करने का सबसे यही है। इसके अलावा अपन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके हेलीकॉप्टर के द्वारा, इंसेक्ट बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स है जिनका स्प्रे करके भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आपको आज मैंने बताया डेजर्ट लोकस्ट के बारे में, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया के बारे में, इसकी लाइफ साइकिल। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे स्वार्मिंग इन लोकस्ट, लोकस्ट के अंदर स्वार्मिंग कैसे होती है, जो 2 फेज मैंने बताई कि एक सोलिटरी फेज है और एक ग्रिगेरियस फेज, वो फेज क्या है और वो फेज कैसे आती है और किस प्रकार से वो चलती है आगे, तो उसका वीडियो अपन आगे बनाएंगे। ये है डेजर्ट लोकस्ट, यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स।